छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में आज धान खरीदी, खाद बीज की कमी, किसानों को किस्तों में भुगतान, अवैध रेत उत्खनन, अवैध शराब की बिक्री और हाथियों की मौत जैसे मामले गूंज सकती हैं। भाजपा कोरोना संक्रमण को लेकर काम रोको प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, जिसके चलते विधानसभा में जमकर हंगामा होने के आसार हैं। मिली जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण पर चर्चा कराने के लिए विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लाएगा। वहीं मक्का और धान के बीज की आपूर्ति को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। हाथियों की मौत और खैरागढ़ जल आवर्धन योजना में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा भी सदन में गूंजने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्ष 2020 से 21 का पहला अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखेंगी। चार चार वार्षिक प्रतिवेदन को सीएम और शिक्षा मंत्री वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, समय न्यूज़।